मैं तो सिर्फ यही बेनती कर सकता है कि जे कोई वकालत कर रहा है पंथ लिए वकालत करे, जे कोई मनुखी अधिकारों लिए लड़ रहा है उन्हें वो लड़न दो, जे कोई लंगर की सेवा कर रहा है वो सेवा डट के करे, जे कोई कानूनी कार्रवाई सिखां की पैरवाई करता है उन्होंने कर दो, जे कोई पोलीटिकल लॉबी करता है जां सियासत करता है वह कहते सी कि उन्होंने वो कर दो, पर सारे उन्होंने एक बेनती कर दो कि जेड़ा कोई खाड़कू वाद वाल नूं तुरदा है ते पंथ की सेवा नमाउंदा है उहदा साथ दिवो। ये बहुत वड्डी गल सी समझण लई कि पता उन्होंने भी है कि जे किसी नूं खिचणा आ ते उन्होंने खिचणा आ, ते सब तो वड्डी सेवा अपनी स्वासां नूं अपने शरीर नूं अपने तन मन धन नूं दाँ ते ला के वह वीर भैन लड़ रहे हैं जो ये सेवा निभा रहे, अज भी निभा रहे। ते उहदे विच इहदा मतलब यह है कि अज के सिस्टम चो किदां लागू हो जिन्नियां चीज़ां तुसीं इस संघर्ष के भाई अमृतपाल सिंह होवे जिदा वीर ने कहा कि कल होर कोई भाई अमृतपाल सिंह आ जाऊगा हज़ार आ जाएंगे, इस सारे कार्ज के साडा काम आ एक दूजे को सांभना। पंथ परिवार ने इस पंथ परिवार तो बाद असी किसी नूं जवाब देनी है। ते गुरु गोबिंद सिंह जी के बोलने का नवा इतने खिमा का जा चुका, कहो प्रभु सो पाक हो किसू ना कान राखो, कि प्रभु परमेसर अकाल पुरख अगे सिख का शीस झुकदा है। कोई भी दुनियावी ताकत हो, कोई भी मिलिटरी हो, ज्योंदे जी संतां दे अंग उहदे मोहरे कभी भी शीस झुक नहीं सकता। भुला चकां की खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब भाई अमरिंदर सिंह जी का। सो संगत दे विचों भी एक होर सुझाव आया है उस दे नाल नाल जिस तरह वीर जी होना ने भी गल की आ भी जिथे सरी दे विच भी बहुत सारे गुरु घर ने, पूरे लोअर मैनलैंड दे विच बहुत सारे गुरु घर ने, जिथे गुरु घर के सेवादारा दी जिम्मेवारियां ने उत्थे संगत दियां भी जिम्मेवारियां। जे संगत ने केवल संडे वाले दिन आण के प्रशादे छके जां सिमरन दे विच हाजरी भरी, ते जिहड़ा संडे वाले दिन दीवान लगदे जिदन शहीदां दीआं बरसियां मनाईआं जांदीआं, उह भाई सुनील कुमार दा जां भाई हरदीप सिंह जी दा कल्ले दा फर्ज नहीं हैगा। हुण बहुत सारे गुरु घर हैगे आ, मैं नाम ही लै सकदा, उत्थे मैनूं लगदा वे 84 वाले घल्लू घर इलावा जां पंजवें पातशाह दे शहीदी दिहाड़े नाल मिला के उह इक दिहाड़ा मना लिया जांदा आ। दो वारी तो ब्लैक थंडर ही हो गया, 55 दे विच की हो गया, 65 दे विच की हो गया। सो बहुत सारे दिन होंगे ने जदों असीं कौम की गल रख सकते हैं। सो आ जो सुझाव आया सी संगत दे विचों जो बुलाए जां किसी ने बोलना सी, बेनती की है समूह गुरु घर कमेटियां नूं बेनती की जाती है कि जो भी भाई अमृतपाल सिंह जी दे नाल नहीं खड़ता उसका बाइकाट किया जाए, भावें कोई धार्मिक बंदा हो, नानकसर वाला हो, धुम्मा पार्टी हो, निहंग दल पंथ वाले हो, मिशनरी कॉलेज वाले हो, अखंड कीर्तनी जथे वाले वाले हो, पिंदरपाल सिंह जां कोई बुलारा हो, पंथ खालसा नूं फेसबुकी बयान की कोई लोड़ नहीं। खालिस्तान जिंदाबाद, भाई अमृतपाल सिंह जी जिंदाबाद। सो संगत ऑलरेडी प्रिपेयर है, सिंह हाले भी कई हजार जोदे गूठा लाया नहीं जिन्हें बदाव्या। सो उन्होंने आप संगत पुजिए हो। सो हुण असीं बेनती करांगे गुरु घर के मुख सेवादार भाई साहब भाई हरदीप सिंह जी निजर, जिन्हां दा मैं समझदा कि 24 घंटे मैनूं लगता कई बार तो 24 घंटे ही ला लैंदे हो, तो जिन्हां दे विच 20 घंटे का तो मैं भी गवाह है, क्योंकि 4 घंटे कई बार मैनूं भी सौना पै जांदा। 20 चों 24 दे 24 घंटे ही कौम दे वास्ते उन्होंने अपना समुचा जीवन अर्पण किया हो, चाहे गुरु घर के कार्ज हो, चाहे कौमी संघर्ष हो, चाहे पंजाब दे विच कोई दल पंथ का प्रोग्राम हो, जिहड़ा भी कौम की आजादी की गल करता चाहे वह सिख फॉर जस्टिस वाले हो, चाहे दल खालसा वाले हो, किहड़ा सिंघ कह सकता कि किहड़े सिंघ नूं नाल लै के नहीं चलते, जां किहड़े मसले दे विच उन्होंने जाके मोहरी रोल नहीं अदा किया। खालसा जी 6-6 दिन 7-7 दिन, क्योंकि नो ट्रैवल बैन उन्होंने उत्ते लगा हुआ है, नो एयर
ਇਹ ਟਰੈਵਲ ਬੈਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਟਰਾਂਟੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਟੋਵਾ ਵੀ ਤੁਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ। ਪਰ ਸੱਤ ਸੱਤ ਦਿਨ, ਅੱਠ ਅੱਠ ਦਿਨ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨੂਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ।